हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर यूनिक क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वो चुनावी मुद्दों पर आधारित है। तो चुनावी मुद्दों वाला प्रश्न, चुनाव में हार जीत से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आज परसेंटेज के वैसे सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे जो चुनाव पर आधारित हो। जो चुनाव में इतने प्रतिशत मत वो लाया, उतना प्रतिशत वो लाया, फिर भी हार गया, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, या चुनाव में अवैध मत क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो आज का टॉपिक है ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, लगभग एसएससी बीएसएससी सभी परीक्षाओं में, जितने भी एग्जाम्स में एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जो भी हो, सब में मैथमेटिक्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह चुनावी वाला प्रश्न अवश्य मिलेगा आपको। तो ठीक है, तो जनरल सभी छात्रों के लिए यह आज का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आज के प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो प्रश्न है, देखिए हम लिख चुके हैं पहले से, प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चुनाव में दो उम्मीदवार रहे, तीन उम्मीदवार रहे, पांच उम्मीदवार रहे, कोई भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना है प्रश्न क्या कहता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, जो जीता वह कितना परसेंट लाया, 65% लाया, और वह प्राप्त होता है उसको, नहीं वो 900 मतों से विजयी होता है। अर्थात क्या, वह जो हारने वाला था चुनाव, जो उसका क्या था कंपटीटर था, वह उससे इसको 900 मत अधिक मिला है। नहीं तो कहता है तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए, यानी कितने मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम है, वह संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गौर से देखिए, बस चुटकियों में हल होगा प्रश्न। क्या कहता है कि एक चुनाव हुआ जिसमें जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह 65% मत लाता है। कौन जीतने वाला, एक बात बताइए कि जो विनर है वह कितना लाया 65%, तो लूजर कितना लाया होगा। बस यही चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जीतने वाला जो था वह कितना लाया 65%, तो हारने वाला कितना लाया होगा, कितना लाया होगा, तो ये हारने वाला 35%, कुल मिलाकर 100% होता है ना, होता है कि नहीं। तो इस बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जीतने वाला कितना लाया और हारने वाला कितना परसेंट लाया। अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं तो समझिए प्रश्न हल हो चुका है। अब बताइए कि 65% लाया जीतने वाला और हारने वाला लाया 35%, नहीं तो यह जो हारने वाला है इससे यह 900 अधिक मत लाया है, कितना, यानी इसके परसेंटेज में और इसके परसेंटेज में, जो ये 65% लाया ये 35% लाया, तो इससे कितना 900 मत अधिक है, मतलब कितने प्रतिशत अंतर बराबर 900, तो कितना प्रतिशत, तो 65 और 35 में कितना 30% हो जाएगा, कितना, तो 30%, यही है दोनों का अंतर और यही है वोट का अंतर जो 900 इससे अधिक लाया, तो 30% का वैल्यू कितना हो गया 900 हो गया, 30% का वैल्यू 900, तो 1% का वैल्यू 900/30, और इसीलिए 100% का वैल्यू 900/30 गुने 100, यहां भी आप काट सकते हैं, यहां भी काट सकते हैं, 0 0 खत्म, 30 3 90, 30 × 100 यानी 3000, कितना हो गया 3000 मत होगा कुल मतदाता सूची में, कुल कितने होंगे नाम 3000। अब इसका 65% आप निकाल के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा जितना होगा, और फिर 35% निकालेंगे तो उन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, आई होप कि आपको यह प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए कहता क्या है, फिर से एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं कि अगर कोई 65% मत लाता है और वह जीत जाता है तो हारने वाला भी कितना परसेंट लाया होगा, 35% ना, 65 और 35, तब 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, तो 65% ये लाया तो 35% दूसरा लाया होगा, और यही ना अंतर 900 दिया हुआ है, नहीं तो 30% का वैल्यू कितना हो गया, यही 900, तो 1% और इस तरह से आप आसानी से हल्का कम समय में आप चुटकियों में इसको हल कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न लेकर के आए हैं,
यदि आपको प्रतिशत में जीवन में चुनाव आधारित प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो वीडियो को देखते रहें अंत तक। यदि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चुनाव में आने वाले चुनावी प्रश्नों प्रत्येक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में यदि चुनावी प्रश्न तो यदि किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार का एग्जाम हो यदि प्रश्न चुनाव पर आधारित आता है तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में उसको बना पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न हल होता है, ठीक है, और सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, कहता है कि एक चुनाव में तीन उम्मीदवार ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार ने भाग लिए? तीन उम्मीदवार नहीं, गांव में पंचायतों में तो मुखिया का चुनाव होता है, उसमें दस दस वो उम्मीदवार हो जाता है, नहीं हो जाता है, यह चलिए तीन ही उम्मीदवार है। तो तीन उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाला मतलब कौन? जो पहला स्थान प्राप्त किया उसको 45% क्या हुआ? मत प्राप्त हुआ। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत प्राप्त हुआ। जो तीसरा स्थान पर रहा उसको कितना पड़ा? 25%। और दूसरे यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, ठीक है, तो कुल मतों की संख्या बताना, कुल चुनाव में मतदाताओं की संख्या बताना। वेरी सिंपल है, अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जो पहला स्थान पर रहा वो 45% मत प्राप्त किया है, क्या है ना, और जो तीसरा स्थान पर रहा वह 25% मत प्राप्त किया। देखिए, चुनाव में तीन उम्मीदवार था, पहले स्थान पर 45 और तीसरे स्थान पर जो था वो 25% प्राप्त किया, तो कुल कितना होता है? 100% होता है ना, तो दूसरा वाला को कितना मत मिला होगा सो बताइए। तो 45 और 25 हो गया 70, बचा कितना? 30 ना, तो 30% इसको मिला होगा, नहीं कितना मिला होगा? 30% मिला होगा दूसरे स्थान पर। अब यही बात है, जो दूसरे स्थान वाला उम्मीदवार है वह 4500 मत से हारा, किससे हारा होगा, किससे हारा होगा? तो यह पहले वाला से ना हारा होगा, नहीं, यह 4500 मत से हारा है, यानी इस दोनों में जो डिफरेंस है वो 4500 मतों का है। कितने मतों का है अंतर? 4500 मतों का। तो अंतर देखिए ना, 30-45 में कितना परसेंट का अंतर है? 15% ना, सवाल तो हल हो गया। देखिए ना कि 30 और 45 में 15% ना हुआ, और 15% का वैल्यू कितना है सो बताइए? 4500 है ना, जब 15% का वैल्यू 4500, तो 1% का 100% का निकाल लीजिए, 1% में कितना हो जाएगा? 4500 बटे 15, और इसलिए 100% का 15 या 45 काट ना दीजिए, 300 हो गया, और 100% लीजिएगा तो 300 × 100 नहीं बराबर 30,000, कितना कुल मतों की संख्या कितना होगा? 30,000। समझ में आया दोस्तों? वेरी सिंपल। नहीं, हमने क्या किया, तीन उम्मीदवार था, तीनों को अलग अलग परसेंटेज बांट दिया कि पहला 45% और तीसरा 25%, तो दूसरा कितना? 30%, और पहले दूसरा का अंतर 4500 है, दूसरे स्थान पर वाला 4500 मत से हारा है, तो 4500 मत से हारा मतलब क्या कि इस दोनों के वोट का जो प्रतिशत है वह 15% का अंतर है, यही 15% बराबर 4500 वोट हो गया, नहीं, यही 15% बराबर कितना हो गया? 4500 वोट हो गया, तो यही 15% बराबर कितना? 4500, तो 1% तब 100%, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है देखिए क्या कहता है, कहता है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया, वैध और अवैध, 20% मत क्या हुआ? अवैध घोषित हो गया। फिर क्या कहता है कि राम और मोहन दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार है राम और मोहन, जिसमें राम को वैध मतों का, देखिए गौर कीजिए बातों पर, वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, 80% जो अवैध था उसको हटा करके बचा कितना, सॉरी 20% ये क्या था जो अवैध था उसको छांटेंगे तो 80% वैध मत बचेगा। नहीं, तो सबसे पहले ये बताइए कि वैध मत कितना हुआ, वैध मत हमारा हो गया 80% 100% मतदान हुआ, ठीक है, मत जो गिरा पेटी में वो 100% है, उसमें से 20% अवैध हो गया, तो 20% छांट देंगे तो बचा वैध कितना? 80% ना, 80% वैध बचा। चलिए, अब कहता है राम को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, ये वैध का इसको कितना प्राप्त हुआ? 40%, यानी नहीं कितना प्राप्त हुआ? 60%, नहीं, इस वैध मतों का
किसको 40 प्राप्त हुआ तो नहीं कितना प्राप्त हुआ 60% ना। बस यही तो लॉजिक है, यही तो समझना है कि इसको क्या हुआ कि राम को वैध मतों का 40 प्राप्त हुआ लेकिन वह क्या हुआ 1600 मतों से हार गया। यानी यदि इसको अगर 40% राम को प्राप्त हुआ तो 60% मोहन को प्राप्त हुआ हो, कितना 60% नहीं तो इसका 60% निकाल लीजिए, 80 का 60% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48 होगा ना, नहीं होगा ना, चलिए ये 60% इसको 48 हो गया और 40% जब इसका निकालते हैं हम कितना आ जाता 8 चौक 32 नहीं आता, कितना आता 32 आता ना, ये 40% जो इसका हो गया 32 और 60% जो हुआ यानी राम को मिला कितना ये 32% और मोहन को मिला कितना ये 48% वोट मिला वैध मतों का। अब फिर हारा कितना से 1600 से, यही ना अंतर है कितना जो 32% इसको मिला 48% इसको मिला तो इसको ज़्यादा मिला होगा तो कितना परसेंट ज़्यादा मिला तो 32-48 में कितना का अंतर है तो 16% ज़्यादा मिला और वही कितना हो गया 1600 हो गया, नहीं 16% जो मिला वही कितना हो गया 1600 हो गया। तो 1% 1600/16 इसलिए 100% ये हो जाएगा 100 अगुने फिर 100 बराबर 10,000 कितना बात खत्म। यही समझना है कि जितना कितना परसेंट उसको मत प्राप्त हुआ और कितना नहीं प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ वो किसको प्राप्त हुआ और जो नहीं प्राप्त हुआ वो किसको नहीं प्राप्त हुआ। इतना चीज जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका तो मतलब समझ लीजिए कि चुनाव पर आधारित अगर कोई प्रश्न एग्जाम में आ गया तो आप 10 से 15 सेकेंड उसको हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी जबरदस्त। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं और आखिरी सबसे जबरदस्त सबसे कठिन सवाल है, ठीक है, लेकिन कठिन होते हुए भी इसको बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल करेंगे। देखिए ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न जो है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाला, दो उम्मीदवार हैं जिसमें 75% मतदाता वोट डाल रहे हैं, मत का प्रयोग क्या जिसमें 2% मत अवैध हो गया, एक प्रत्याशी ने 92-61 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतदाताओं की संख्या इसमें ज्ञात करना है, थोड़ा सा इसको मान लेते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या एक्स है, कितना मान ले एक्स है। अब चुनाव में इसका 75% कुल मतदाताओं की संख्या का 75% वोट पड़ा तो 75% का मतलब क्या लिख सकते हैं, 75% मतलब होता है बट्टा में 100 यानी 25 के 75 25 चौके 100 3/4 यानी इसको क्या लिखेंगे 3/4 कुल मतों का 3/4 मत डाला गया जिसमें 2% अवैध, 2% अवैध मतलब क्या 2% हटा दिया तो 98% तो वोट डाला गया ना, 98% तो काउंट हुआ ना, यानी 98/100 इसका 2% अवैध था तो वैध कितना था 98%। चलिए एक प्रत्याशी को 92-61 मत प्राप्त हुआ जो वैध मतों का, ये वैध मत है इतना, इसका 75% था, फिर मान लीजिए 75% मतलब 3/4 यही बराबर कितना हो जाएगा, यही बराबर कितना हो जाएगा 92-61 कितना जाएगा, यही 92-61 यही होगा। गौर कीजिए फिर से, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी x, अब 75% वोट उसका पड़ा तो मतलब 3/4 पड़ा, नहीं 4 में 3 भाग, अब उसका 2% अवैध घोषित किया गया तो वैध कितना मिला 98% कर दिया हमने, फिर वैध मतों का फिर 75% जो है सो वोट प्राप्त उसको प्राप्त हुआ किसको, जो 92-61 मत जिसको प्राप्त हुआ बराबर 92-61 हल कर लीजिए इसी को, देखिए जो कटे काट लीजिए जो नहीं कटेगा उधर करके गुना कर लेंगे, ठीक है तो क्या हो जाएगा इसको कटेगा ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा छोड़ दीजिए रहने दीजिए ऐसे, इसको उलट करके उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा कितना 92-61 × 4 × 4 × 100 अब बट्टा कितना हो जाएगा 3 × 3 × 98 इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 16,800 आ जाएगा।
कितना जगह? 16,800। कैसे करेंगे देख लीजिए जरा। नहीं, 3 और 3 से इसको काटिए, 3 या 9 से काट दीजिए, 9 एकम नहीं, उसके बाद 0, फिर 9 दूनी 8 1 9 81 10 27 हो गया। फिर काटिए इसको कितना, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 ये कितना हो जाएगा 49, 7 7 7 से कटेगा ये जरूर, नहीं 49 से काट दीजिए सीधे कितना कटेगा ये, 7 से काट के 7 से फिर काट दीजिए, 7 7 49 नहीं, 7 एकम 7 3 2 7 4 28 और उसके बाद कितना 7 7 फिर 49, फिर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 21 दूनी कितना जाएगा 21 4 दूनी 8 21 से 168 16,800 मत हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 16,800। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही लाइक सब्सक्राइब के साथ चैनल वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे भी हम आपको परीक्षा में पास और फेल वाले प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।